स्टूडेंट्स, बच्चों हमारे ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का 4th चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ज्योग्राफी का जो 4th चैप्टर है वो क्या है बेटा? आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है बेटा महासागर और महाद्वीप का वितरण, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। ये हमारा कौन सा है? चैप्टर 4 है। तो आज हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी बच्चों को ध्यान से वीडियो को सुनना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ताकि अगर इसमें से कोई भी MCQ क्वेश्चन बनता है तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, आज का जो चैप्टर है उसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आप सभी को पता है बेटा, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके ऊपर बड़े बड़े महासागर हैं और बड़े बड़े महाद्वीप हैं। तो हमारी अर्थ को 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों के अंदर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो हम इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आप सभी ने देखे वर्ल्ड का जो मैप होता है, संसार का जो मानचित्र होता है, वो आप सभी ने देखा हुआ है। तो उस मानचित्र के ऊपर जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, वो उसके ऊपर शो किए गए हैं, वो दिखाए गए हैं। और हम सभी जानते हैं कि बेटा जो पृथ्वी का, अर्थ का जो 29% भाग है उसके ऊपर क्या है? महाद्वीप हैं। और बाकी सभी एरिया के ऊपर क्या है? महासागर फैले हुए हैं। 29% कैसा है? लैंडी एरिया है। और जो बाकी जब बचा हुआ एरिया है वो कोर, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? महासागर है। तो हमारी अर्थ के ऊपर क्या है? जो 71% एरिया है वो वाटर से कवर है। ये वाटर वो किसके रूप में? ओशियन के रूप में ही हमें दिखाई देता है। बड़े बड़े ओशियंस हैं, इसीलिए हमारी अर्थ को अगर अंतरिक्ष पर से देखते हैं तो ये क्या है? ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? बहुत बड़े एरिया के ऊपर पानी ही पानी है, और इसी वजह से क्या है? ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो जो महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति प्रेजेंट में हमें मैप के ऊपर दिखाई देती है बेटा, वो हम स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं है। शुरुआत में ये अलग थी और अब अलग है। तो आज जैसी स्थिति वो पहले नहीं थी, पहले वाली स्थिति आज नहीं है। तो ये अब हमारे सभी के माइंड में आता है कि जो अगर आज वाली स्थिति नहीं थी तो पुराने समय के अंदर इसकी स्थिति कैसी थी, ये इनके अंदर परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन अब हमारे माइंड में आते हैं कि क्या ये सच है कि महाद्वीप और महासागर जिस स्थिति में परिवर्तन हुआ है वो अब भी हो रहा है। और मतलब ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? साइंस से, ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। और ये हम सभी के माइंड में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो ये परिवर्तन है वो अब भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से ये खिसक रहे हैं। तो ये इन सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड मैं आपके एक एक जो आपकी क्यूरियोसिटी है आपके माइंड के अंदर, उसके बारे में आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आता है बेटा महाद्वीपीय प्रवाह, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। बेटा देखिए, साथ साथ मैं इंग्लिश वर्जन इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो महाद्वीपीय प्रवाह या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो देखिए बेटा, इसको ध्यान से सुनिए। अब देखो, जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो आकृति है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगी यहाँ पर? इस महासागर के दोनों तरफ की जो तट रेखा है वो उसमें एक आश्चर्यजनक सिमेट्री बनी हुई है। और इसी सिमेट्री के कारण बहुत से जो वैज्ञानिक है उन्होंने दक्षिण और उत्तर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। यानी कि पहले क्या था बेटा, पुराने समय के अंदर, प्राचीन काल के अंदर, ये जो अलग अलग महाद्वीप हैं ये सारे क्या हैं बेटा? बिल्कुल इकट्ठे थे, बिल्कुल पास पास थे, करीब करीब थे। तो विज्ञान के इतिहास के अंदर जो पुराने हम अभिलेख देखते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि 1956 के अंदर, इसको ध्यान रखना है बेटा, 1596 के अंदर एक डच मानचित्र वेता थे, डच के रहने वाले थे, जो मानचित्र वेता होते बेटा जो मैप बनाते हैं, अब्राहिम और टेलियस। इनका नाम क्या था? अब्राहिम और टेलियस। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं इनको अलग कलर से शो कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 1596, ओके, डच के वैज्ञानिक मानचित्र वेता कौन थे? अब्राहिम और टेलियस।
अब्राहम ओर्टेलियस, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, इस संभावना के बारे में बताया था कि जो ये दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए बेटा, जैसे एक पजल गेम होता है, पजल गेम के अंदर क्या होता है, उसके अलग अलग टुकड़े किए होते हैं और हर जो बॉक्स होता है उसके क्या है, हमको देखने से ही पता चल जाता है कि अगर हम इस कॉर्नर को उसके उस कॉर्नर के अंदर फिट करेंगे तो क्या है, वो दोनों आपस में फिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आज हमारे अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट हैं उनकी अगर सिमिट्री को ध्यान से देखें, उनकी जो तटीय कोस्टल जो लाइन है, तटीय रेखा, उसको ध्यान से देखें, तो ये देखने से साफ पता चलता है कि ये सारे पहले एक पजल गेम की तरह आपस में जुड़े हुए थे, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे बिखर गए, धीरे धीरे टूट कर अलग हुए हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले 1596 के अंदर डच के एक मानचित्रवेत्ता थे अब्राहम ओर्टेलियस, इन्होंने सबसे पहले बताया था, इन्होंने इस संभावना को सबसे पहले व्यक्त किया था। इसके बाद एंटोनियन पेलगिरिन ने भी क्या बताया, देखिए इन्होंने इसके बारे में बेटा क्या बताया कि इन्होंने एक मानचित्र बनाया, इसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था, इसमें जो तीन ये महाद्वीप थे, इन तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा करके दिखाया गया। उन्होंने तो क्या बताया था कि ये क्या है, इनकी जो सिमिट्री है, इनकी जो तटीय रेखा है, उसको आपस में अगर जोड़े तो ये सारे इकट्ठे हैं, इसकी संभावना बताई थी। इन्होंने एक मानचित्र बनाया जिसके अंदर इन तीनों को इकट्ठा ही करके दिखाया, चिपका के दिखाया। तो जो जर्मन के मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर थे, अल्फ्रेड वैगनर, ये आपने नाम भी सुना होगा, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अंदर प्रस्तावित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। कब दिया था, 1912 के अंदर इसे दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है। जो महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा, अपनी जगह से सरक कर दूसरी जगह चले जाना, तो यह जो सिद्धांत था वो महाद्वीप और महासागर के वितरण से ही संबंधित था। अब देखिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो क्या था, अब इसको ध्यान से सुनो बेटा। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना क्या थी कि जो जितने भी महाद्वीप हैं वो क्या है, आपस में एक भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे प्राचीन समय के अंदर। और जो वैगनर है, अल्फ्रेड वैगनर है, वो क्या कहते हैं कि आज के जो सभी महाद्वीप हैं इस भूखंड के भाग ही थे और एक बड़े महासागर से घिरे हुए थे। ध्यान से सुनो बेटा, जो आज ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, ये जो 7 महाद्वीप हैं, ये सारे जो 7 के 7 महाद्वीप प्राचीन समय के अंदर क्या है बेटा, ये सारे आपस में जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़े भूखंड की तरह से इसमें इस तरीके से आपस में जुड़े हुए थे। और इनके चारों तरफ क्या है, इस और बड़े भूखंड के भाग तथा यह एक बड़े महासागर से, इसके चारों तरफ क्या है बेटा, एक बहुत बड़ा सारा महासागर था। ये देखिए, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये तो क्या है बेटा, इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर आप इसको फिर से देखना। अब इसको देखिए, देखिए बेटा, ये तो एक बहुत बड़ा, ये क्या है बेटा, विशाल भूखंड है, ठीक है। ये बहुत, मतलब जितने भी 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स के हैं इससे जुड़े हुए हैं। और अब इसके चारों तरफ देखिए, ये क्या है, इसके चारों तरफ एक विशाल महासागर भी था। ये जो बड़ा भूखंड है, इसके चारों तरफ क्या है, विशाल महासागर भी बह रहा था। ये विशाल महासागर है, तो महासागर, तो जो ये महासागर था, इस जो बड़ा महाद्वीप था, इसे तो क्या कहा गया था, इसे पेंजिया कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान में रखना, जो ये पूरा बड़ा महाद्वीप है, देखिए जो ब्लू कलर से है, उसको क्या कहा था बेटा, पेंजिया, इसे पेंजिया कहा गया था। ये जो पूरा महाद्वीप है बड़ा, इसे पेंजिया कहा गया था। और ये जो विशाल जो महासागर है बेटा, इस महासागर को क्या नाम दिया गया था, इसे पेंथालासा कहा गया था। इस महासागर को पेंथालासा कहा गया था। जो पेंजिया वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी। और जो विशाल महासागर है उसे पेंथालासा कहा गया था, उसका क्या अर्थ होता है बेटा, जल ही जल, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी। ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। अब देखिए आगे, देखिए बेटा, वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ, मतलब ये टूटना शुरू हो गया। जो विभाजन का मतलब होता है टूटना शुरू हो गया, तो पेंजिया पहले क्या हुआ बेटा, पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडों में खत्म टूट गया था। एकदम से इसके सारे टुकड़े नहीं हुए थे, देखिए धीरे धीरे करके हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, जो पेंजिया था, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो ये बड़ा महाद्वीप पेंजिया था उसका विभाजन हुआ। अब पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडों, लोरेशिया
और गोंडवाना, लोरेशिया और गोंडवाना नामक दो लैंड के अंदर ये डिवाइड हो गया। उसके बाद उस क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के रूप में, यानी कि एक पार्ट तो क्या है बेटा उत्तर में चला गया और एक पार्ट कहाँ गया दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ और साउथ में हो गए। ओके, ये दोनों अलग अलग हो गए, एक था लोरेशिया और एक था गोंडवाना। अब इसके बाद जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड थे, धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए। पहले तो दो बड़े हुए टुकड़े, अब इनके भी बड़े, आप देखिए इनके अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े होने लग गए। ये जो ये थे इनके अंदर भी देखिए इस प्रकार से विभाजन होने लग गया, इनके भी अलग अलग टुकड़े बनने लग गए थे, इन दोनों के अंदर भी अलग अलग टुकड़े होने लग गए। तो धीरे धीरे आज छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में, यानी कि जो ये अलग अलग जो टुकड़े हुए थे इनके अंदर भी और टुकड़े होने लग गए। इससे इस प्रकार से जो सात महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ था। तो ये क्या है, महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जो इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। अब देखिए इसके इससे रिलेटेड कुछ प्रमाण आए थे तो वो इस प्रकार से हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अब देखिए बेटा इसके पक्ष में क्या क्या परिणाम आए थे। तो सबसे फर्स्ट आता है महाद्वीपों में साम्य, साम्य होता है मतलब एक जैसे देखने में, सिमिलैरिटी जिसे कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। एक तो देखो बेटा आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ल्ड के मैप के अंदर आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका किधर है और अफ्रीका किधर है, के आमने सामने जो तट रेखाएँ हैं अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती हैं। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है अफ्रीका है दोनों ही क्या है नीचे की साइड आते हैं, तो ये दोनों साउथ में आते हैं। इनकी जो तट रेखा है यानी कि इनकी जो साइड की जो तट रेखाएं हैं, जो कोस्टल लाइन है, वो क्या है अगर उनको जोड़ा जाए तो क्या है वो बिल्कुल उनके अंदर एकदम से आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस यह जो ध्यान दिया गया था 1964 में बुलियर्ड ने, बुलियर्ड नामक एक भूगोलवेता थे, इन्होंने इसको पर ध्यान दिया। बुलियर्ड ने एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। किसके तटों को जोड़ा, अटलांटिक के तटों को, और तटों का यह जो साम्य था बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य मतलब सिमिलैरिटी थी। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तट रेखा की अपेक्षा 1100 फैदम की गहराई की तट रेखा के साथ की गई थी, यानी कि उनकी जो दोनों की तट रेखा, दोनों की जो तट रेखाएं थी उन्हें आपस में क्या कर दिया गया था, उन्हें आपस में जोड़ दिया गया था, उनके अंदर सिमिलैरिटी दिखाई गई थी। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था जो इसके प्रमाण में आता हो, बिल्कुल सही था ये पॉइंट। अब देखिए बेटा सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। सेकंड पॉइंट है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब जो महासागर के पार यानी मतलब उसकी तरफ जो चट्टानें थी वहाँ पर उस समय उनकी जो आयु थी, एज थी, वो भी इक्वल थी। तो आधुनिक समय के अंदर विकसित की गई रेडियोमेट्रिक मीट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपक चट्टानों के निर्माण की सबके समय को सरलता। देखिए बेटा ये एक टेक्निक है जो जो आज के टाइम की टेक्निक है, इसके अंदर इस टेक्निक का क्या नाम है, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। इसके अंदर इससे क्या पता चलता है, जो चट्टानें होती हैं, जो बड़े बहुत पुरानी पुरानी चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, उनकी आयु का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है कि ये कितनी पुरानी चट्टान है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन पुरानी शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती थी। 200 करोड़ वर्ष पुरानी यानी कि 200 करोड़ जो वर्ष पुरानी एक प्राचीन समय की एक ब्राज़ील के तट के पास और पश्चिमी अफ्रीका के तट के ऊपर एक पट्टी मिली थी जो आपस में मेल खा रही थी। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरैसिक काल के पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ पर स्थित नहीं थी। ये क्या है, जुरैसिक पीरियड का काल इसके अंदर। तो ये इससे क्या पता लगता है बेटा, महासागरों की आयु में समानता दिखाई दे रही थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है बेटा टीलाइट। टीलाइट में देखिए क्या है, जो टीलाइट नामक पॉइंट है इसके अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया था। टीलाइट के अंदर क्या बताया गया था, टीलाइट भी अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। टीलाइट बेटा अवसादी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण हिमानी के निक्षेपण से होता है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना जो श्रेणी के तलछट के प्रति रूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में ये टीलाइट चट्टानें मिलती थी। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टीलाइट हैं जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम आवरण या हिम से मतलब बर्फ से ढके हुए थे, और इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी
डिलाइट पाए गए हैं। इस प्रकार से जो गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की जो समानता है उससे क्या पता चलता है कि जो ये स्थलखंड थे इनके, अगर आज आधुनिक समय के अंदर इनमें समानता है तो पुराने समय के अंदर भी इनमें समानता रही होगी। हिमानी हिम से संबंधित टिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये क्या थी बेटा? टिलाइट यानी कि जो अवसादी चट्टाने थी जो आज से पुराने, अब जो मिल रही हैं वो पुराने समय के अंदर भी उनके अंदर समानता इक्वेलिटी पाई गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए अब प्लेसर निक्षेपण। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा प्लेसर निक्षेपण। प्लेसर निक्षेपण के अंदर देखिए प्लेसर निक्षेपण, इसमें क्या बताया गया है? घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य मतलब निकल कर आता है। इसमें क्या बताया गया बेटा? सोना युक्त जो शिराएं थी या बेल्ट थी वो ब्राज़ील में पाई गई थी। इससे पता चलता है कि जो ब्राज़ील का जो घाना वाला क्षेत्र है वहाँ पर सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकाले गए होंगे और जब उस समय क्या ये दोनों हिमाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये क्या था बेटा? प्लेसर निक्षेप। इस प्रमाण को प्लेसर निक्षेप का नाम दिया गया था। ये था प्लेसर निक्षेप यानी कि जो सोने की जो खान निकाली गई थी, सोना जो निकाला गया था वो उस समय ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। और लास्ट इसकी प्रमाण क्या मिलता है? जीवाश्म, जो उस समय जो इनमें जीवाश्म पाए गए थे, जीवाश्म का जो वितरण था वो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो जो जीवाश्म होते हैं बेटा वो समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल और स्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न। इस प्रेक्षण से क्या हुआ, क्या लैमूर भारत मेडागास्कर अफ्रीका में जो मिलते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा, मतलब इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक बड़ा स्थलखंड बनाया जिसे लेमूरिया का नाम दिया गया। और मैसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जो जीव थे, मतलब छोटे छोटे जो जीव थे जो रेंग कर चलते थे, उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां जो इनकी हड्डियां थी वो केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत में और ब्राज़ील में इरावर शैल समूह में ही प्राप्त हुई थी। और ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4,800 किलोमीटर की दूरी है, तो इनके बीच में भी ये क्या है? महासागर विद्यमान रहा होगा। तो इस प्रकार से जो जीवाश्म की जो हड्डियां पाई गई थी उससे पता लगाया गया कि उस समय कौन से जो महाद्वीप थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये था बेटा महाद्वीप जो विस्थापन सिद्धांत था उससे संबंधित क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा प्रवाह संबंधी बल। अब इसके अंदर देखिए, वैसे मैं बहुत आसान तरीके से बहुत आराम से आप लोगों को समझा रही हूँ बेटा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रवाह संबंधी बल। तब प्रवाह संबंधी बल में देखिए क्या क्या है। वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के दो कारण थे, जो महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ था दो वजह से हुआ था। फर्स्ट पॉइंट तो क्या था बेटा? पोलर या ध्रुवीय फ्लेइंग बल। और सेकेंड क्या था? ज्वारीय बल। फर्स्ट क्या था? पोलर फोर्स और सेकंड था टाइडल फोर्स। ओके, अब देखिए बेटा जो पोलर फोर्स होता है, जो ध्रुवीय बल था वो पृथ्वी के घूर्णन से यानी कि पृथ्वी के घूमने से संबंधित था। और हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी की आकृति है वो संपूर्ण गोले जैसी है, मतलब गोल नहीं है बल्कि क्या भूमध्य रेखा के ऊपर उभरी हुई है, जिसे जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोइड शेप में है और ये जो इसका उभार है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यानी घूमने के कारण ही है। दूसरा बल जो वैगनर ने सुझाया वह था ज्वारीय बल। जब सूर्य और चंद्रमा आपस में क्या है दोनों का आकर्षण होता है, जब दोनों एक सिर में आते हैं तो क्या है महासागरों में ज्वार पैदा होता है, यानी कि जो महासागर की लहरें हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और फिर वो नीचे गिरती हैं। जब वो ऊंची जाती है तो उसे ज्वार और जब वो नीचे गिरती है तो उसे भाटा बोला जाता है, ज्वार भाटा जिसे कहा जाता है। तो वैगनर क्या कहते हैं कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गया और बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, बहुत से जो वैज्ञानिक है वो इसे पर्याप्त नहीं मानते, वो इसे अपर्याप्त समझते हैं। आगे बेटा संवहन धारा सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी संवहन धारा सिद्धांत। तो इसके अंदर देखिए बेटा संवहन धारा सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी 1930 के दशक के अंदर
आर्थर होम्स ने मेंटल, जो ये तीन लेयर्स थी मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी, मेंटल बाल वाले भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। जो ये धाराएं थी वो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप बिंदा से मेंटल भाग में उत्पन्न होती थी। होम्स ने क्या बताया कि पूरा जो मेंटल भाग था वो उसके अंदर इस प्रकार की धाराएँ पूरे भाग के अंदर स्थित थी, और उन बल प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था, मतलब इसे गलत सिद्ध कर दिया था। आगे आता है बेटा महासागरीय अध्यय स्थल का मानचित्रण, महासागरीय अध्यय स्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, जो ओशियन फ्लोर थे इसका जो तल था, महासागरों का जो तल था उसका जो मैप था, मानचित्र था उसका, उसे प्रस्तुत किया गया था। उसमें देखिए क्या बताया गया था, महासागर की जो बनावट होती है, उनका जो आकार होता है, उसको पर क्या बहुत गहरा शोध किया गया था, यानी कि रिसर्च की गई थी। और उसके बाद क्या बताया गया कि जो महासागरों का जो स्थल है वो एक विस्तृत मैदान नहीं है, बल्कि उनमें भी क्या है उच्चावच पाए जाते हैं, मतलब उसमें उच्चावच होता है बेटा जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता होता है, मतलब वो उच्चावच कहलाता है। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, महासागरीय अध्यय स्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अध्यय स्थल में जलमग्न पर्वतीय कटक और गहरी खाइयाँ भी हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई और महासागरीय पर्पटी की चट्टानों के काल निर्धारण से स्पष्ट हुआ कि महासागरों के नितल की चट्टानें, यानी कि महासागर के नीचे जो चट्टानें थी, अंदर चट्टानें थी, महाद्वीप भाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है, यानी कि वो नई है। महासागरों के अंदर जो चट्टानें पाई गई है वो महाद्वीपों के ऊपर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनसे नई हैं। महासागरीय महासागरीय कटक के दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं वो बराबर दूरी पर स्थित थी, इससे क्या है उनकी आयु रचना में भी समानता, बहुत अधिक समानता देखी गई थी। तो ये क्या था बेटा, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, महासागरीय अध्यय स्थल का मानचित्रण। अब देखिए नेक्स्ट आता है महासागरीय अध्यय स्थल की बनावट, इसकी जो बनावट थी उसके अंदर देखिए क्या बताया गया, बनावट के अंदर महासागरीय अध्यय स्थल की बनावट। तो इसमें देखिए बेटा इस भाग में हम महासागरीय अध्यय स्थल की जो बनावट थी उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, तो जो महासागर और महाद्वीप के वितरण को समझने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो इसमें देखिए गहराई और उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या था बेटा, महासागरीय महाद्वीपीय सीमा, सेकंड था गहरे समुद्री बेसिन, और थर्ड था मध्य महासागरीय कटक। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है महाद्वीपीय सीमा। तो इसका ना देखिए ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का जो भाग है इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी गहरी खाइयाँ इसके अंदर पाई गई थी, इसके अंदर शामिल हैं। और महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए इसकी जो गहराई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है वितलीय मैदान। वितलीय मैदान में देखिए ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय कटक के बीच में पाए जाते हैं। जो ये वितलीय मैदान है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ महाद्वीप से बाहर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होता है बेटा, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब जब महासागर जो महासागर है जब वो बहते हुए आते हैं तो पहाड़ों के ऊपर से वो अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाते हैं वो इनके जिस जगह पर वो उसे निक्षेपित कर देते हैं, उसे इकट्ठा कर देते हैं, वो क्या है वितलीय मैदान कहलाता है। और थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट आता है मध्य महासागरीय कटक। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बताया गया, मध्य महासागरीय कटक। तो इसके अंदर देखिए बेटा मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाते हैं। जो महासागरीय कटक है बेटा वो क्या है आपस में जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। और महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पाए जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी गई है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट होता है जो एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी एक विशेषता बताई गई है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित
मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, जो इसके बारे में क्या है, जो पिछला अध्याय है, मतलब जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर क्या है, मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो बच्चों आज ही हमारा हाफ चैप्टर डिस्कस हो गया है। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो को अच्छे से सुनोगे, चैप्टर की रीडिंग करोगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।